हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू वर्ब्स। वर्ब्स मतलब कि क्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, डूइंग एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। क्लियर? याद आया कुछ हिंदी में? यस। चलिए तो अब वर्ब कंप्लीट करेंगे। ये आपको एक स्टोरी दी हुई है, लेट अस रीड द सेम स्टोरी विद सम वर्ड मिसिंग। तो इसमें कुछ वर्ड मिसिंग है और इसमें हम ये ऐड करके जो है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको। चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या वर्ब गिवन था स्टोरी में। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वर्ड्स, दीज वर्ड्स टेल अस व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्टोरीज। जो भी काम हो रहा है, मतलब कि जो क्रिया चल रही है स्टोरी में, वो आपकी क्या बताती है? व्हाट आर सच वर्ड्स, इन सच वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम? कॉल्ड, यस इट्स कॉल्ड अ वर्ब्स। जैसे हम डांस करना, खेलना, कूदना, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे गो जाना होता है, ये क्रिया है जो हम कर रहे हैं। स्टडी पढ़ना, डांस डांस करना, वर्क काम करना, प्ले खेलना, तो ये कैसी क्रिया है जो हम काम कर रहे हैं? ठीक है, उस क्रिया को, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। हिंदी में हम कुछ ऐसा ही डेफिनेशन लर्न करते हैं। और इंग्लिश में डूइंग एक्शन वर्ड्स, डूइंग एक्शन वर्ड्स इज कॉल्ड अ वर्ब। ठीक है, सो ये कन्वे करते हैं एक्शंस। क्लियर? बट सम वर्ड्स डू नॉट गिव द आइडिया ऑफ एक्शंस। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो हमें आइडिया ही नहीं देते कि एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। दे गिव द आइडिया ऑफ बींग, मतलब कि वो सिर्फ होने का जो है एहसास दिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ब्स लाइक बी देखिए, सीम एंड बिलोंग कन्वे अ स्टेट ऑफ बींग। ठीक है, मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल ले, अगर हम वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब भी आपका जो होता है वर्ब कहलाता है। जैसे वर्ब्स टेल अस व्हाट अ पर्सन डज, मतलब वह पर्सन क्या कर रहा है। जैसे अमंदा प्लेज फुटबॉल, तो ये एक्शन वर्ड है, मतलब कि वो प्लेज कर रहा है, खेल रहा है वो। ठीक है, व्हाट अ पर्सन इज के पर्सन क्या है, अमंदा इज वेरी हैप्पी टुडे, अमंदा क्या है आज बहुत खुश है। तो यहाँ पे इज जो ये हो रहा है वो आपका क्या है, टू शो बींग, होना शो कर रहा है। व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज, मतलब पर्सन क्या सोचता है, क्या चीज़ है। मतलब अमंदा हैज़ अ न्यू पेयर्स ऑफ शूज़, उसके अमंदा के पास क्या है, न्यू पेयर ऑफ शूज़ हैं उसके पास। तो हैज़ क्या हो जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे वर्ब आपका पोसेशन के रूप में शो हो रहा है। और क्या बताता है वर्ब, द स्टेट इन विच अ पर्सन और थिंग इज, मतलब कौन से स्टेट, कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहा है पर्सन या चीज वो। पर अमंदा नोज हाउ टू स्कोर अ गोल, मतलब कि अमंदा को पता है कि कैसे स्कोर को, कैसे कैसे गोल किया जाता है। ये नॉन एक्शन वर्ब है, मतलब इसमें हमें एक्शन नहीं पता कि क्या काम हो रहा है, बट नोज जो है मेंशन कर रहा है आपका। ठीक है, चलिए, तो वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वी कैन नॉट हैव अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, मतलब कि हमारे पास कोई सेंटेंस नहीं होता विदाउट अ। तो यहाँ पे है व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग रिसेस, ए में गिवन है, आप क्या करते हैं रिसेस के टाइम। राइट फाइव एक्शन वर्ड्स दैट यू डू ड्यूरिंग योर ब्रेक, तो चलिए आपको फाइव एक्शंस लिखने हैं जो आप अपने ब्रेक टाइम में करते हैं, लंच टाइम में करते हैं। ठीक है, नाउ यूज दिस फाइव एक्शन वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, और उस वर्ड से आपको क्या करनी है, सेंटेंस बनाना है अपने आप से। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है और आपको ज़रूर करना है। आप क्या लिख सकते हैं इसमें, जैसे वर्ड्स आप क्या लिख सकते हैं, ईटिंग लिख सकते हैं, ठीक है, टॉकिंग लिख सकते हैं। तो ईटिंग का सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, जैसे शी वॉज ईटिंग लंच, ठीक है, या कुछ राधिका ईटिंग लंच करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके फाइव वर्ड्स होंगे उससे आपको क्या बनाना है, सेंटेंस भी बनाना है। चलिए, अब यहाँ पे है सब्जेक्ट, आपको सर्कल करना है और अंडरलाइन दी वर्ब। तो जितने भी नाम हैं ये आपके क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ही शी आई वी यू इट, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। और वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब ये हैं आपके जो गिवन है, जो शो कर रहे हैं, ये वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब है। फॉरगॉट जो है मेन वर्ब है, ठीक है, तो रॉट मेन वर्ब है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, वर हेल्पिंग वर्ब है, आर और ये वर आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो दीज आर ऑल दी आंसर्स। नाउ लेट्स सी द व्हाट डू मीन बाय द ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए पीछे गिवन है आपके में और समझते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब सेम होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, बिकॉज दे हैव द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, क्योंकि ये क्या करते हैं, मदद करते हैं मेन वर्ब की सेंटेंस में। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, रोहन वॉज कॉलिंग हिज फ्रेंड फॉर अ पिकनिक, तो रोहन क्या है आपका, सब्जेक्ट है, वॉज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग क्या होता है, बुलाना, ये क्या आपका मेन वर्ब है। ठीक है, टू हिज फ्रेंड फॉर अ पिकनिक,
चलिए अब देखो, कॉलिंग जैसे मैंने आपको बताया था मेन वर्ब है, ठीक है। वॉज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब है। अब आइए इसको समझते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होते हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर, ये जो हम बी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। और डू, डू मतलब डज नॉट या डू नॉट, ठीक है। हैव, हैज और हैड, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब है ये आपके। मोडास की बात करें तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और मस्ट और यूज्ड और नीड एंड आउट टू, ये सभी आपके मोडाल्स हैं। ये हम कैन जो है प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, कुड पास्ट में यूज़ करते हैं, मे और का माइट होता है, शैल हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं और शुड हम पास्ट में यूज़ करते हैं, विल फ्यूचर में और वुड पास्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक्सरसाइज गिवन है नीचे, यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस व्हाट विल कम, ठीक है। तो देखेंगे क्या आएगा। चलिए, जेरी हैज़, क्योंकि हैव नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब में ध्यान रखना है आपको, ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होता है, ये ध्यान रखना है आपका। जेरी हैव नहीं होगा, क्योंकि हैव हमारा किस में यूज़ होता है? प्लूरल में यूज़ होता है। हैज़ हमारा सिंगुलर में यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे वन पर्सन की बात कर रहे हैं तो हैज़ आएगा। अगर हम जेरी या हम राम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हैव आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। बिकॉज बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, सो हैज़ विल कम। वी प्लूरल है आपका तो हैड होगा, ठीक है। वॉज नहीं आएगा, क्योंकि वी हैड टू विजिट द टेम्पल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग की बात कर रहे हैं पास्ट की, तो हैड होगा। यू आर, आर आएगा, इज नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा यू के साथ आर आता है, इज कभी भी नहीं आता। यू आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। दिस हाउस इज, ध्यान रखना, हैव नहीं होगा, हैव अगेन प्लूरल है आपका। यू मे, स्मिथ, कैन, ठीक है। एम नहीं होगा, स्मिथ, एम तो हमेशा किसके साथ आता है? आई के साथ आता है। शी विल होगा, ठीक है। हैज नहीं होगा, विल की फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, फ्राइडे की। वी मस्ट होगा यहाँ पे, और रमा विल होगा, ठीक है, क्योंकि टुमोरो की बात कर रहे हैं, कमिंग डे की बात कर रहे हैं, तो इज नहीं होगा, कमिंग के लिए, फ्यूचर के लिए विल अप्लाई होता है। और आई के साथ हैव होगा, आई के साथ कभी भी आर अप्लाई होता ही नहीं है, इट्स अ कॉमन सेंस, अंडरस्टूड है ये आप सभी को। तो चलिए, होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे नए चैप्टर के साथ विद आंसर्स। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल।